subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वैभव जी से बात हो रही थी थोड़ी देर के लिए। वैभव जी से बात हो रही थी थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँ? बोलिए क्या बात। वैभव जी हमारी जो संस्था है हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरबंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में उनके आदमी के पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे। उनकी मेमोरी में प्याओ भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जानी जी मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूं? जी हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है। मैं पेपर हाथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है, अब गरीबों को कौन सुनेगा। सर हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी आपकी आपकी। कौन बोल रहा है, क्या खोलना चाहते हो? सर आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़े की दुकान। जैसे मैं कबाड़े की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़े की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़े की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख। अच्छा काम करो, ऊपर से गाली सुन लीजिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तुम चुप बैठी रहो सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दो। हम बताएं, आप बता दो सर। सर आप कहाँ पे हो? सर आप कहाँ पे हो? ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं, लाल वाला काट दूं, हरे वाला काट दूं? सर आई एम बा लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली। सर ये तुम क्या बीच में घड़ी ओड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना आपकी, बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी। सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम बम गया माता नहीं तो ये कोई बात नहीं सर। नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सबने बात के नहीं होते, तुम लोग आप होते हो। आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को, लाल वाला आपका, आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? बम फट रहा था वहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा था आवाज निकाली कुत्ते की तरह। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा हूँ, वॉकी टॉकी से बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, आप बिजली क्यों काट दी? अरे अरे फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ, बिजली लगवाता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello?
लाल काट रहा हूँ। हम बताएं, आप बता दो सर, सर आप कहाँ पे हो, सर आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूँ, लाल वाला काट दूँ, हरे वाला काट दूँ? सर आई एम बा ऊपर वाले का नाम हरा काट दूँ, ऊपर वाले का नाम हरा काट दूँ, एक हरे लाल काट दूँ, लाल काट दूँ, एक सेकंड में लाल। हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। लाल लाल काट रहा हूँ, 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 लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली। सर ये तुम क्या बीच में घड़ी वड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना आपके, बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी आप क्या काट रहे हैं यहाँ पर? सर हमने आपसे आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम बम नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सबसे बात के नहीं होते तुम लोग, आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को, लाल वाला आपका, आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? जब तेरे में बम फट रहा था वहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा था पीछे आवाज निकाली कुत्ते की तरह हाँ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अब रेडियो से बोल रहा हूँ, वॉकी टॉकी से बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, आप बिजली क्यों काट दी? अरे अरे फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट, आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवा दो, बिजली लगवा दो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. जी। हाँ जी। I'm so sorry, मैंने ऐसे बीच में आपको फोन किया है सर, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था, अभी मैं ये काफी दिन से मैंने सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूँ, मैं बीच में काफी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर, ये बनवाना था तो मैं वहाँ भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं आपका नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई एम सॉरी सर, और इसमें मैं क्या करूँगा, अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें, कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फोन किया था। नहीं, सर मेरे पास क्यों फोन किया आपने, जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूँगा इसमें। नहीं सर उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा, उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा इसमें, तो आप करा देते सर। नहीं मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका वही कराएगा, मैं नहीं करा सकता ये काम आपका, आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप, ये क्या बदतमीजी है, क्या ले दे के, जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? सर कुछ पैसे मैं अगर आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, मतलब गधे साले तू मेरे को रिश्वत दे रहा है, तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है सर, वो मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं, हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे? सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने रिश्वत की बात कर ली। तो क्या सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत लेते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूँ कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता, मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। फेसबुक का एक पोस्ट शेयर करने से आपका कुछ नहीं है सर, है ना?
जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को आपने शेयर कर दिया। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को, एक एयरक्राफ्ट में एक मुसलमान के कैन मांगने से उसको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमान है तो कैन के ढक्कन से वो लोगों का गला काट देंगे। मैं खुद मुसलमान हूँ और इस्लाम कहीं से कहीं तक इस तरह की तालीम नहीं देता। मैं आपको सही बताऊं, इस्लाम गले काटने की नहीं, गले मिलाने की बात करता है। बल्कि किसी भी मजहब में एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना ये कभी नहीं बताया जाता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के घर घर जाके नहीं कह सकता मैं कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लीजिए। और उन लोगों से भी मेरी नाराजगी है जो मुसलमान होके हिंदुओं से नफरत करते हैं और इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, उनसे नाता खत्म कर दो। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक मुसलमान को जान से मार देने में भी इतनी ही तकलीफ होती है उस इंसान को जो मरता है, और एक हिंदू को मार देने से इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो कोई मारता है। इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि रिश्वत ना किसी से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। और मुझे मालूम है ये फेसबुक पे जो आग उगल रही है आजकल, ये पता नहीं कहां से शुरुआत हुई है और हम सिर्फ पुश करते हैं इस बातों को। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो भी गया कि आपने गलती करी, तो आप जिम्मेदार हैं उन 150 लोगों के जिन्होंने ये जाके शेयर किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को जाके बताएं कि नहीं, मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमान साथ में रहते हैं, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करना जानते हैं। अगर हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। उसकी सजा एक इंसान के तौर पे उसको मिलनी चाहिए कि ये काम इसने गलत किया है। अगर आपके हिसाब से इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और सारे बंदे भगवान के हैं, और अगर मेरे हिसाब से इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो हम में से किसी को भी यह हक नहीं है कि अल्लाह या फिर भगवान के बंदे को हम तकलीफ पहुंचाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको, मुझे इस बात पे ही बहुत ज्यादा खुशी है। यह भी हो सकता था कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते अगर आपकी ज़हनियत वैसी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात को समझ रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं एक मुसलमान होने की वजह से फोन कर रहा हूं, मैं एक इंसान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। किस तरह दुनिया को यह समझाऊं कि कोई साहिबा अगर बुर्का पहने हुए हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान की अगर दाढ़ी है तो जरूरी नहीं है कि बॉम्ब उसके पास है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के खौफ से दाढ़ी रखता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बॉम्ब से तो क्या उड़ाएगा। फेसबुक पे न जाने किसने ये शुरुआत करी थी एक इंसान के फोटो के साथ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जिनके साथ काम करता हूं आधे से ज्यादा हिंदू हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए आज तक छोटी सी शिकायत ना मुझे उनसे मिली ना उन्हें मुझसे मिली। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता हमारी मोहब्बत का। आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि ये काम ना करें और ये सब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं। एक दूसरे से इतनी नफरतें करने के बाद मुझे तो यही अंदाजा हुआ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, क्या सबने इंसान ना होने की कसम खाई है? प्लीज इंसान बन के रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dilli ka don. Naveed. Dilli ka don. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? मैडम, हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ, तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है, हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है, लेकिन अभी तोले हैं मैडम तो कम इसमें दिखा रहा है। ओ, कि ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ ले लेंगे। क्या भाव है?
प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना, और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। यार एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो हाय आनंदिता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो आनंदिता, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको, आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसा करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उसे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। So, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है, आपने पिज्जा जी, पिज्जा बर्गर, हाँ बर्गर, हाँ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ऑब्वियसली, केक, हाँ केक होगा, केक, आप इसमें स्पैगेटी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पैगेटी। ओह स्पैगेटी, ओके हाउ डू यू स्पेल स्पैगेटी? SPDDG SPDDG DDGE ऑलराइट आई विल डू दैट। थैंक यू। एक बार और ट्राई मार दूं यार, कितनी बनती है। हेलो ये मैडम हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम, ओके। दिल्ली का डॉन, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दिल्ली का डॉन नवेद, Dilly Kadon, Naveed, only on Radio Mirchi 98.3 FM, it's hot. Your call is waiting, as the number you have called is busy. Please hold the line. सतीश जी थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से, ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए हैं, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई सतीश जी? ये ओ उल्ले तो बैठे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा ये करेंगे, ये तो मेन केबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन केबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी, हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना, हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था, हाँ इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया, तुझे तो मना किया मैंने, तुझे पेंट मत चला तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से, थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा। मैं क्या करूँ, तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने, स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको पांच बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है येलो करना है, ये नहीं यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन केबिन में इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर अपने पापा से बोल जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है या पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा सामने वाली दीवार का बता? सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाली के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैक बैकग्राउंड में किसने कहा था यार इसको, यहाँ का पीछे का करना था ब्लू और सामने वो येलो और सामने वाले का करना था ब्लू, सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किसने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, बुला के रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। इधर आ बात कर। हेलो, तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए
है? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड है। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से सर, मैंने गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा, कितनी देर लगाएगा ये बता। कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक बैक नहीं ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी भरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई ऐसा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तो ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है, इनको ऐसे रखो क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूं फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा, दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का, तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना कहीं पर भी, नहीं होना, मैंने बोले नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरे दीपक से जाके। ठीक है मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ है और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा? हाँ, हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा दे। Thank you.